चलिए सर, मैं पहली बार शिरकत कर रहा हूँ और बहुत अच्छे लेवल पे इसका ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है मुझे. आई थिंक इट्स प्रीटी वेल ऑर्गेनाइज एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हियर एंड इट इज़ लाइक हाउ एनी टॉप लेवल अवार्ड्स नाइट शुड बी. और मैं यहाँ पे शमीम भाई की वजह से आया हूँ. शमीम भाई जिन्होंने ये जो इसके फाउंडर हैं उन्होंने मुझे इनवाइट किया हुआ है और इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ. और मुझे ऐसा लगता है कि इस फंक्शन में काफ़ी कुछ आज देखने को मिलेगा, कुछ एंटरटेनमेंट होगा और कुछ अच्छे लोगों को अवार्ड्स दिए जाएंगे जो ट्रूली डिज़र्विंग होंगे अपने काम के लिए. तो क्या चीज़ फिल्म्स में हम लोग दिखाएं, प्रेजेंट करें लोगों को जो कि हमारी सोसाइटी पे किसी भी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले. और इस बात की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और सेंसर बोर्ड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी तरह से उसको निभाता है. और अगर कभी कोई फिल्म सेंसर बोर्ड में जाने के बाद अटकती भी है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है. बट हमारे पास हमेशा ये मौका भी रहता है और ये हमारा हक भी है कि हम उनसे रीज़न करें कि अगर उस किसी चीज़ को उन्होंने रोका है या ब्लॉक किया है तो उसकी वजह क्या है. और उस चीज़ को अगर वो एमिकेबली हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो आई एम श्योर जितने हम समझदार हैं उससे ज़्यादा समझदार शायद लोग सेंसर बोर्ड में बैठे हैं. और प्रसून जोशी जो उसको हेड करते हैं वो बहुत ही अच्छे राइटर हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, बहुत सीनियर आदमी हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं वो बहुत सोच समझ के कर रहे हैं. शूट कर रहा हूँ और इस साल अगले साल में एक तमिल और दो हिंदी फिल्म्स रिलीज होंगी तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. मैं आप सभी को, मैं आती नागपाल, आप सभी को सबसे पहले आप सभी को आरती नागपाल का नमस्कार एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस. 2018 खत्म हो रहा है. आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ टीफा 2018 और जो भी विनर्स हैं और शमीम जी को, उन्होंने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है. बहुत ही अच्छे अच्छे डिग्निटरीज यहाँ पर आए हुए हैं. मैं अभी रिसेंटली वहाँ पर थी, मैंने थोड़े बहुत शोज और परफॉर्मेंसेस देखे, बहुत अच्छे हैं. आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच एंड एवरी पर्सन हु इज़ विनिंग द अवार्ड एंड ऑल द बेस्ट टू टीफा. थैंक यू. मैं टीफा अवार्ड्स को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मुझे यहाँ बुलाया आज. और बाकी मैं आपको अवार्ड्स के बाद बोलूँगा, आप बताऊँगा कि कैसा रहा, सब कुछ रहा. बहुत अच्छा स्वागत किया मेरा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. फर्स्टली वी हैव रीच्ड टू टाइफा एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी हु ऑल विन द अवार्ड. एंड बहुत सारे नए नए फिल्म अभी रिसेंटली आए हैं जो कि वेल डिजर्विंग हैं. सो मे द बेस्ट पर्सन विन. मैं एक्चुअली अवार्ड लेने नहीं आई हूँ, आई हैव जस्ट कम टू अटेंड द इवेंट. या वी हैव कम एज गेस्ट. या ये 7th टीफा अवार्ड फंक्शन है और आज मैं यहाँ पे बहुत ऑनर फील कर रही हूँ कि साल की आखिरी दो दिन बचे हैं 2019 आने में और मैं यहाँ परफॉर्म कर रही हूँ इस अवार्ड में. आई एम वेरी हैप्पी बीइंग पार्ट ऑफ दिस अवार्ड. या आई एम सिंगिंग वन ऑफ मेरे जो गाने हैं हिट्स जलेबी भाई एंड रजिया, बहुत सारे गानों का मैशअप करने वाले हैं. 31st की तैयारी अभी तो कुछ नहीं है, कल प्लानिंग होगी. लेट्स सी. ओके नकुल, सेवेंथ एडिशन फॉर टाइफा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक कमाल की इवनिंग. मैं टीफा में 2015 में आया था व्हेन जब मुझे बेस्ट होस्ट फॉर इंडियाज गॉट टैलेंट से नवाजा गया था. इट्स अ फुल जर्नी नाउ, 3 साल बाद आ रहा हूँ. व्हेन आई एम बीइंग रिकॉग्नाइज्ड फॉर बेस्ट एक्टर टेलीविजन 2018, आई एम वेरी एक्साइटेड. बहुत ही अच्छा साल गया है, बहुत चीज़ें सीखी हैं, बहुत रिकॉग्निशन मिला है, बहुत एक्साइटिंग ईयर आ रहा है. एंड आई थिंक इट्स अ परफेक्ट वे टू एंड द ईयर एंड ब्रिंग इन अ न्यू ईयर. सॉरी एक जना, हाँ
जी जी काफ़ी मुझे याद है जब पिछला फंक्शन हुआ था, इट वॉज एट सन एंड सैंड इन 2015 एंड दोज आर द स्टार्टिंग डेज एंड दोज आर ऑल्सो माई स्टार्टिंग डेज एज अ होस्ट. इट वॉज वंडरफुल. आई थिंक एवरी टाइम यू रिकग्नाइज इट्स एन एनकरेजमेंट कि आप कुछ सही कर रहे हैं जिंदगी में. तो मैं उसी इनकरेजमेंट को इस बार फिर से लेना चाहूँगा और 2019 में और ज़्यादा अच्छा काम करना चाहूँगा. जी, अवार्ड रिसीव करने आया हूँ फॉर बेस्ट एक्टर टेलीविजन. आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी अ डार्जिलिंग इवनिंग. बहुत सारे डिग्निटरीज फ्रॉम डिफरेंट फील्ड यहाँ पर है एंड जस्ट टू बी विद फेलो कमराज ऑफ द इंडस्ट्री एंड आई थिंक इज वेरी स्पेशल एंड जस्ट टू रिसीव एन अवार्ड इज इवन मोर स्पेशल. जी 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 जी. तो मेरे शो में हमने एक नया सीजन शुरू किया है एंड आई एम गेटिंग एन ऑप्शन टू प्ले शिवांश who is the son of Shiva and Anika. Bahut bada challenge hai mere liye. Trying to do new things, find new things. It's hard when you've played a character for 3 years and then you're playing something new almost immediately, agle din. But we are trying our best. Okay, yeah. 2008 bahut hi khoobsurat raha. I think bahut sari cheeze seekhi, bahut hi khoobsurat experiences hue. There was a lot of recognition, a lot of love from all of you. Who have embraced our show Ishqbaaz, जो कि मैं जो कुछ और काम किया है उसे भी embrace किया है, इतना appreciate किया है, critique दिया है and I think मैं उस सब को लेकर 2019 में और भी अच्छा काम करना चाहूँगा and I hope I can really entertain all of you. बहुत खुशी का माहौल है और ये टाइफा का 7th अवार्ड फंक्शन है. आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर और मैं शमीम एम खान और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इस लेवल का वो अवार्ड फंक्शन कर रहे हैं और आज मुझे भी एक अवार्ड मिल रहा है. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ईयर. बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगता है. इस तरह के अवार्ड फंक्शंस होते हैं तो कलाकारों की हिम्मत अफजाई होती है. इट्स वेरी एनकरेजिंग. थैंक यू. मतलब है ना, मकसद है ना. चलिए. देखिए, ये मेरा 10-12 साल मुझे रेडियो करते हुए गए और ये पहला रेडियो अवार्ड है मुझे बिंदास आरजे के लिए मिला है. टेलीविज़न में डेब्यू तो 2014 में हो गया था, उसके लिए मुझे अवार्ड पहले ही मिल गया था, लेकिन ये पहला अवार्ड रेडियो के लिए, रिकग्निशन के लिए, जिसकी वजह से मैं जाना गया. तो बहुत खुशी की बात है एंड ताइफा थैंक यू सो मच कि आपने जो है अप्रिशिएट किया मेरे टैलेंट को, क्योंकि रेडियो पर मैं काफ़ी सालों से और हमेशा नॉमिनेट होता हूँ लेकिन कभी अवार्ड मिलता नहीं है, तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम मिला है, तो खुशी की बात है. बहुत शानदार रही, बहुत बड़े बड़े जीना तमान जी के हाथों में मिला, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है. एक प्लेटफॉर्म पे खड़े थे जिनको बरसों जो है हमने स्क्रीन पर देखा है, सिल्वर स्क्रीन पर देखा है. पहली बार जो है मौका मिला है कि उनके साथ स्टेज शेयर किया और उनके हाथों, तो मतलब ये ब्लेसिंग ही है अपने आप में. बिग बॉस मैंने इस साल बहुत फॉलो किया तबाह करके और मैंने बहुत अच्छे दोस्त भी बनाए, बहुत ज़्यादा दुश्मन भी बनाए बिग बॉस को फॉलो करने के चक्कर में, क्योंकि अगर किसी एक को फॉलो करो दूसरे के वेल विशर्स, फॉलोअर्स, फैंस जो है वो चढ़ जाते हैं. तो वो हुआ है, मैं श्रीसंत को फॉलो कर रहा था और दीपिका कक्कड़ को फॉलो कर रहा था, तो बाकी लोग वो ट्विटर पे होता है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो कि हम जिक्र नहीं कर सकते. तो अच्छे दोस्त भी बनाए, दुश्मन बहुत बनाए बिग बॉस को फॉलो करने के चक्कर में. भाई सीधी सीधी बात है, बिग बॉस इस साल जो है वो श्रीसंत जीतने वाला है, ये मुझे लगता है, ये मेरी दिली ख्वाहिश है. क्योंकि करण, माय वाइफ इज देयर एंड शी इज सेइंग करणवीर, सो करणवीर बोल रहा आ जा कम, ये मेरे साथ नाच कर पाया, अदरवाइज नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता. तो इनकी चॉइस जो है वो करणवीर बोल रहा है. बीबी के आगे किसी की चलिएगा भाई, जो मेरी चलेगी. सारे कैमरामैन हंस रहे हैं, हमारी भी नहीं चलती.
न्यू ईयर का कोई खास स्पेशल प्लान नहीं होता है, साथ में स्पेंड करेंगे। 31st नाइट जो है वो साथ में घर वालों के साथ स्पेंड की जाएगी, दैट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर न्यू ईयर। ज़रूर इबादत की जाएगी ऊपर वाले की, गुरुद्वारे जाया जाएगा क्योंकि हम हरसल जाते हैं, और फिर हाउस पार्टी घर पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई एम एक्साइटेड अबाउट बीइंग हियर एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग फॉर दीज अवार्ड्स, एंड अब अंदर जाके देखते हैं हाउ इज इट गोइंग टू बी। अवार्ड लेने आए हैं एक्चुअली हम, और जिस वक्त अवार्ड लेंगे शायद उस वक्त एक दो एक गाना भी गा देंगे जिस गाने के लिए अवार्ड मिलेगा। चलिए, सेंसर बोर्ड से पिक्चर अटक रही है जी, सेंसर बोर्ड से पिक्चर अटक रही है, अंतिम समय पे आके करोड़ों रुपए डाल के फिर अटका देते हैं, सेंसर बोर्ड से पास होती है फिर रिलीजिंग के टाइम पर अटका देते हैं, जिसके बारे में भैया को बताएंगे। ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, हमारा काम सिर्फ स्टूडियो तक होता है, तो सेंसर बोर्ड में पिक्चर जाके उसके बाद क्या होता है उसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। न्यू ईयर पे इस बार हमने अपने माता पिता को बुलाया है और हम उनके साथ घर पर रहेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे जी। अभी काफ़ी सारे 2019 में आपको भी बहुत सारे गाने सुनने को मिलेंगे, बहुत सारे गाने रिलीज़ हो रहे हैं और आप लोग बहुत मज़ा आने वाले हैं। कौन सा सैड सॉन्ग? हम नवा मेरे, हाँ अभी और सिंगल कर रहे हैं, मोटिवेट हो गए वो सिंगल करके। आयशी, अंदर एक बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया है आपने, हाँ तो कैसा फील हो रहा है अब जाके कहीं तो टेंशन? यार अभी तो डू यू थिंक कि मुझे इंटेंशन होगा? नहीं, अब बिग बॉस के बाद इतने धमाके कर दिए कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती टेंशन लेने की, तो फिलहाल मैं तो कूल माइंडेड थी, और मुझे वैसे भी मेरे फेवरेट गाने ही थे रशिया कमर और टिप टिप बरसा पानी, तो उस पर तो मैं ऑलरेडी एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मैं पब्लिक को कभी देखती नहीं हूँ, मैं सामने ही देख देख के परफॉर्म करती रहती हूँ, आसपास मुझे कुछ नहीं पता कि सामने क्या हुआ। अभी जब मैं डांस कर रही थी तो मेरी जूती ही किसी के ऊपर चली गई डांस करते करते, तो वो थोड़ा सा हुआ, बेचारों को लग गई शायद। सॉरी। ओके, कितनी एक्साइटमेंट थी इस परफॉर्मेंस के लिए और कितने दिन से प्रिपरेशन चल रहा? ना, ये सिर्फ 2 घंटे प्रिपरेशन किया था, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया था। बाकी एक्साइटेड हम हमेशा रहते हैं, बिकॉज जब भी नई चीज़ होती है, नया काम होता है, एक्साइटमेंट तो रहता है। मेरी आवाम को न्यू ईयर बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो, और नए साल पे हम और अच्छा काम करेंगे और धमाल करेंगे। श्री सर, हाय बेबी। हाय, दिस इज बी चौधरी। विश ऑल ऑफ यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर।